हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बकरी का दूध निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। कल वीडियो में डाला था तो आप लोगों से बोला था फ्रेंड्स कि मैं कल बकरी का दूध निकालूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे निकालता हूँ और कौन कौन सी बकरियों को निकालूंगा और कैसे निकालूंगा, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, ये भगोना लेकर आ गया हूँ। एक और भगोना था जो उसकी जिसमें कल मैं दूध निकाला था, तो अभी वो दूध वैसे रखा हूँ फ्रेंड्स, उसको जलाने के लिए सोच रहा हूँ सारा दूध इकट्ठा करके। तो अभी इसको बाहर छोड़ दिया हूँ, ये देख रहे होंगे। ये जाता है अंदर तो बकरियों को खाने नहीं देता है, और मैं दूध दुहता हूँ ना तो ये मुझे भी कभी कभी मार देता है, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया हूँ बाहर और चल रहा हूँ बकरियों को दूध निकालने, जो कि जो इनको खाने वाने के लिए जो देना था फ्रेंड्स सब कुछ दे लिया हूँ। और कपिल हमारा है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही दूध निकालता हूँ, क्योंकि मैं उतना पी नहीं पाऊंगा। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा निकाल रहा हूँ इसलिए कि मुझे जलाना है, दूध खोआ बनाना है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, दूध निकालने के लिए मुझे कैमरे को अपने फोन को एक जगह पर सेट करना होगा, और सोच रहा हूँ कहाँ पे सेट करूँ, क्योंकि इन लोगों से बहुत डर है, क्योंकि कभी भी हिला सकती है, मोबाइल गिरा के फोड़ सकती है। इसीलिए देखिए, ये दोनों व्यवस्था लेकर के आया हूँ। कहीं भी फंसा दूंगा फोन को, उसके बाद आराम से बनाऊंगा। तो पहले इसको जा रहा हूँ फ्रेंड्स धोने के लिए। मैं डेली इसको धो करके रखता हूँ, पर फिर भी दूध वाला बर्तन है, कितना भी अगर धोया जाए उसमें थोड़ा सा गंद आने लगता है। तो मैं जा रहा हूँ इसको पहले धो के आ जाऊं, उसके बाद बारी बारी से एक बकरियों को निकालूंगा। ये देखिए, सब परेशान है, जो कि दे दिया हूँ खा लिए सब, और जो खाने के बाद वो सब पलटी कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको भी धो लिया हूँ और अभी बारी बारी से दूध निकालूंगा इन लोगों को, जो कि ये देखिए थोड़ा लेट होने के कारण ये सब बड़ा वाला, ये जिसमें घास खाती है, सब पलटी कर दिए सब, और आप लोगों को सही से दिख सके फ्रेंड्स, इसके लिए इसको थोड़ा सा मैं इधर खींचूंगा यहाँ पे, और यहीं पे बांधता हूँ बकरियों को। और अभी बहुत नचाएंगी सब, बहुत भागती है सब। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है तार, जो कि इसमें इन लोगों की जो गला है इसे फंसा देता हूँ हल्का सा, ताकि ये लोग भागे ना ज्यादा। बस इतना ही के लिए कि लोगों को बस पता रहे कि हाँ मैं बंधी हुई हूँ। और डेली डेली दूध निकालते निकालते इन लोगों को निकलवाते निकलवाते फ्रेंड्स, अभी इन लोगों को आदत बन गया है। अभी देखिए, ये बकरी है, ये बेचारी बहुत सुधी है, इसके पास जब दूध ज्यादा रहता है ना, आराम से खड़ा होकर निकलवा लेती है। कुछ बकरियां है जैसे ये सब व्हाइट वाली और थोड़ा सा जो ब्लैक वाली है सब, ये सब बहुत परेशान करती है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को नजदीकी से दिखाऊं, ठीक है। एक बकरी का दूध निकालने के बाद कैमरा और नजदीक करूंगा फ्रेंड्स, एक दूर से ही देख लीजिए कैसे निकाल रहा हूं। तो फ्रेंड्स, एक बकरी का दूध निकाल दिया हूं, और अब की बार नजदीकी से आप लोगों को कैमरा करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और ये दूध देखिए कितना निकाला हूं, इसमें यहां तक है वो जो गाज है, इसका गाज को लेकर के यहाँ तक है, लेकिन दूध तकरीबन यहीं पे आधा तक होगा, ये देखिए। और मैं यहाँ पे रखा हूँ अपना जो भगोना है उसमें रख लूँ, उसके बाद फोन नजदीकी करके आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी इस बकरी का दूध निकालूंगा और कोशिश करूंगा कि नजदीकी से आप लोगों को दिखाऊं। तो ये देख सकते हैं इसका दूध, और ये बकरी बहुत शुद्धि है, ये ज्यादा दौड़ती नहीं है, इसको मैं बिना बांधे दूंगा। यहाँ देखिए, ऐसे घुमा दिया जिधर से मुझे सीधा लगेगा, और अपना फोन पहले सेट कर लूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। देखिए, मैं इसको बांधा नहीं हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे, और अभी दूध निकालूंगा। बकरियों का जानवर है सब, कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कब भाग जाए, लेकिन भागेगी तो मैं फोन पकड़ लूंगा, क्योंकि फोन के ऊपर से ही भागेगी जब भी भागेगी। फ्रेंड्स, जिन बकरियों के पास बच्चे हैं उनका दूध हमको आधा निकालना होता है, और जिन बकरियों के पास बच्चे नहीं है उनका दूध पूरा निकालना होता है।
जिनके पास बच्चे नहीं वो दूध रख के क्या करेंगे सर? अगर 2 दिन दूध नहीं निकालूंगा ना फ्रेंड्स, तो ये दूध धीरे धीरे जलाना मतलब स्टार्ट कर देंगे सर, दूध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसका दूध हमको निकालने में बहुत मजा आता है फ्रेंड्स, ये पकड़ने में बहुत मजा आता है ये। और बकरियां है ना, पकड़ ही नहीं पाता हूँ, इतना मोटा मोटा है। इसका धार आप लोग देख रहे होंगे, इसका धार भी बहुत मोटा है, बहुत जल्दी मैं इसका दूध निकाल लेता हूँ। जैसे लगता है ना कि भैंस का दूध निकालना हो, इतना मोटा धार है। अभी तो एक बकरी है फ्रेंड्स, इसी में अभी दिखाऊंगा, उसका सींग काटा हुआ है। उस बकरी का दूध जब बच्चा देती है ना, तो इतना ज्यादा दूध उसका चढ़ जाता है कि वो उसका दूध अपने आप चूने लगता है। पूरा दिन तो उसमें से दूध चूता रहेगा, उस पर मिट्टी जाके सड़ जाता है दूध चूने की वजह से। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध निकाल लिया हूँ, कितना निकाला हूँ ये देखिए, कितना दूध निकाला हूँ और कहाँ पे रखता हूँ दूध निकाल करके, वो भी आपको दिखाऊं। ये बहुत डरपोक है, हाँ इसी की बात मैं कर रहा था। ये देखिए, जिसका ये सिंग कटा हुआ है फ्रेंड्स, इसका दूध जो धार है ना दूध का, बहुत मोटा है। और यहाँ देखिए रखा हूँ, इसी में दूध अपना ढालूंगा निकाल निकाल करके। इतना देखिए दूध हो गया, अभी 2 बकरियों का निकाला हो, और बकरियों का हमको आधा आधा दूध निकालना है। जिनके पास बच्चे हैं उनका आधा आधा दूध निकालूंगा। तो अभी कुछ बकरियों को बांध के निकालूंगा और कुछ बकरियों को बिना बांधे, जैसे अभी निकाला हूँ फ्रेंड्स कोने में ऐसे खड़ा करके, कुछ बकरियों का ऐसे निकाल देता हूँ। पहले उनको भी, उन सबों का भी दूध निकाल लूँ, और कैमरा क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना दूध निकलता है आज। तो फ्रेंड्स अभी 4 बकरियों का दूध निकाला हूँ, 6 बकरियों का छोड़ दिया हूँ, जो कि इनके भी बच्चे हैं, और उसके बाद जो भेड़ के बच्चे हैं उनको भी ला करके इन्हीं बकरियों का दूध पिलाना, क्योंकि फ्रेंड्स भेड़ों के पास इस समय दूध नहीं है ज्यादा। गर्मियों में पता नहीं क्यों दूध नहीं ज्यादा हो पा रहा। और देखिए इतना ज्यादा दूध निकाल लिया हूँ, और पहले का भी दूध है। और फ्रेंड्स ये भगवने में जो काला काला दिख रहा है ना, इसमें एक चीज, जैसे मैं उबाला था तो दाग लग गया था, वो था खजूर। उसमें मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा फ्रेंड्स क्या कर रहा था मैं। और चलिए अभी दिखाता हूँ, भेड़ों को जो पकड़ कर लाऊंगा उनको भी दूध पिलाऊंगा, जो बच्चे हैं। इसको डेली दोनों टाइम दूध पिलाना पड़ता है फ्रेंड्स। अभी इन लोगों को छोड़ दूंगा ना तो चले जाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। जो भी बकरियों को पकड़ूंगा, अभी देखिए इसको दूध पिलाना है, जो भी बकरियों को पकड़ूंगा ये बकरी के बच्चे जो है ये लोग जाके दूध पी लेते। देखिए एकदम गेट के पास में ही है चारों के चारों। अभी इसको भी दूध पिलाना है, एक उधर रख दिया, उसको भी दूध पिलाना है, और एक अभी इसका बच्चा नीचे देखिए उधर है छोटा सा, वो दूध पी रहा है, उसको भी दूध पिलाना है। और अभी देखिए आपको एक चीज दिखाऊं, ये इसको पकड़ लिया हो ना, अभी इसको देखिए हमारे पीछे पीछे दौड़ेगी, मतलब कि बच्चे के लिए इतना प्यार है इसके अंदर ना। ये देखिए ये देखिए, ये इसका जो बच्चा हमारे गोद में है, ये देखिए जहां जहां जाऊंगा वहां वहां जाएगी दौड़ूंगा तो दौड़ेगी। ये देखिए ये देखिए, ये इसको पता नहीं है कि मैं इसके बच्चे को दूध पिलाने ले जा रहा हूँ। इसके पास दूध है फ्रेंड्स, ये देख दिखा दूं आपको, ये देखने में लगता होगा कि कितना दूध है इसके दूध में। ये सब बहुत परेशान फ्रेंड्स, बकरियां बहुत परेशान कर दे रही हैं सर। ये देखिए हमारा वीडियो कट गया इस भेड़ की वजह से, ये एकदम परेशान कर दिया। जैसे जा रहा हूँ ना इस गेट पे, ये हमारे साथ आके घुसने लगती है। ये देखिए आ गई है, ये बच्चा भी जल्दी नहीं जा रहा है। ये देखिए घुस रही है और एक किधर आ गया। तो इसको फ्रेंड्स ये वाली जो बकरी है यहाँ पे देखिए, इसको पकड़ करके इन दोनों का दूध पिलाऊंगा। मतलब कि क्या ही बताऊं आप लोगों से, वीडियो बनाने में एक आदमी अगर चाहे काम करे वीडियो बनाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स। हमारा फोन इस वीडियो में बहुत ज्यादा हिला है, थोड़ा मैनेज करिएगा फ्रेंड्स। और दूसरा अगर कुछ दिखाना होता तो मैं इतना फोन को नहीं हिलाया होता। तो चलिए ठीक है, अभी तो मैं इसको जा रहा हूँ दूध पिलाने, बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसीलिए वीडियो क्लोज करता हूँ। तो बच्चे हफा दिए सब, एकदम परेशान कर दिए सर।
और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।